क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना अंतर्गत आने वाले कलवानी गांव के पास मसाया सोलर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हो गई। घटना में 3 युवक घायल हुए हैं। घायल युवकों ने बताया कि एक हेमराज पिता हरे सिंह और संतोष पिता विजय, ये दोनों युवक सिक्योरिटी गार्ड है, जिनका दिनेश नाम के सुपरवाइजर एक युवक से विवाद हुआ था, जिसमें जमकर मारपीट की घटना हुई थी। इसी बीच संत कुमार नाम का एक युवक जो अचानक इस मारपीट की घटना में आ गया और अचानक फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें छर्रे लगने से ये 3 युवक गंभीर रूप से घायल होना बताए जा रहे। ऐसा घायल युवकों ने संत कुमार नाम के युवक पर आरोप लगाया कि उसने गोली चला दी, जिसमें छर्रे लगने से इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि तीनों का खंडवा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना की सूचना मिलते ही जावर थाना प्रभारी गंगा प्रसाद वर्मा भी अपनी पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुँचे और घायल युवकों के बयान लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल जावर पुलिस की टीम मौके पर है और घायल युवकों के आप देख सकते हैं कि बयान दिए जा रहे हैं। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। मसाया सोलर प्लांट की ये घटना बताई जा रही है। तीनों युवक बताया जा रहा है कि प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, सुपरवाइजर से इनका विवाद हुआ था। तीनों युवकों ने बताया कि काम पर लेट गए थे, इसलिए वहाँ सुपरवाइजर जो है अचानक हमसे विवाद करने लगा। इसी को लेकर घायल युवकों ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तुम्हारा हेमराज, क्या हुआ था पूरा दूर से बता दो। सर हम वहाँ सोलर प्लांट में सर सुरक्षा कर्मी के लिए काम करते थे। सर हम 10-15 मिनट लेट हो गए सर, तो वहाँ का जो सुपरवाइजर था दिनेश राठौर हुआ, उनको गाली गलौज देने लगा। तो हमने बोला कि हम ये काम नहीं करेंगे, तुम कराओ तो कराओ, मत भी कराओ। तो सर उसने फिर गाली गलौज, मैंने उसको बोला गाली गलौज मत दे। तो सर उसने सर फिर गाली गलौज दी, तो मैंने भी गाली दे दी, तो उसने सर मेरे मार दिया सर सिर पे। तो सिर पे मारा तो मेरा खून आ गया सर, तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो मैंने परिवार वालों को फ़ोन लगाया, पापा को फ़ोन लगाया और काका अंकल को फ़ोन लगाया कि मेरे को चक्कर आ रहा है, इन्होंने मार दिया है, तो आप आ जाओ मुझे ले लो। तो ये आए, इतने में महेश नायक आ गया, तो वो चिल्ला चूट करने लगा, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं हम, छुट्टियाँ हैं क्या, ये है वो है। तो ये पापा चीजें चिल्लाने लगे, तो वो दुर्गेश शिवा रुपेश और दिनेश और 3 लोग ने लाठी डंडों से हमको मारा और महेश नायक बोले कि गोली से उड़ा दो इनको। तो गोली मारे थे या नहीं मारे थे? गोली चली थी 3 बार। किसने चलाई थी गोली? संत कुमार और महेश नायक। अच्छा, कितने क्या फायर किए थे? 2-3 बार फायर किया। किसको किसको लगी गोली? अभी गोली नहीं लगी, गोली के छर्रे लगे हैं। गोली के छर्रे लगे लखन को, हेमराज को लगा, लखन और अजय को, अजय को लगी। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? हेमराज। हेमराज जी, मैं तुम्हारा बताओ क्या घटनाक्रम हुआ? अजय ना, क्या हुआ था पूरा बताओ। भैया लोग थर्मल पावर प्लांट में काम करते थे, गार्ड लोगों की माता बच्ची हुई मारपीट हुई, तो हम उनको घर लेने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने हमारे पे हमला कर दिया, मारपीट की और उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। कौन थे वो लोग? गार्ड लोग थे। क्या नाम है उनके? नाम माला में मतलब तुम्हारा भाई वहाँ काम करता था, तुम बचाने गए थे क्या? बचाव के चक्कर में उसको मारा पीटा इन्होंने। जब भैया हम इसलिए कि कितना क्या मारा है, सब क्या हुआ है, भैया को घर लेके आए, तो उन्होंने हमको भी मारना चालू कर दिया। कहीं से मारपीट करे वो लोगों ने? लकड़ी से मारपीट की और फायरिंग चालू कर दी उन्होंने। फायरिंग भी की? फायरिंग की ना, मेरे को यहाँ पे। ये क्या लगा आपको, गोली लगी? छर्रा लगा? छर्रा लगा। ठीक, कहाँ की घटना ये? जावर थानी पुलिस आ गई। अरे बच्चा वो
अपना हेमराज घाट का काम करते हैं, तो उन्होंने जो बाकी के गार्ड थे उनका नाम तो नहीं मालूम मेरे को, तो उसको मारा, तो फिर हम उनका फोन लगाया, काका जी मेरे को मार रहे हैं, बड़े भाई का लड़का है हेमराज, तो उनने मारा, तो फिर हम गए तो हमने पूछा भाई क्यों, क्या काम बिगाड़ दिया उसने, तो उनने कुछ सोचा नहीं, इनको मारो साले इनको, वो हमारे पे बिल्कुल फायरिंग चालू कर दो बोले। कौन कौन तो पहचानते नहीं, पहचान नहीं पाए ना उनने, मैं तो फेंका ही गया, तुमने जैसे लगा कि नहीं, जैसे तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं बैठे मेरे, यहाँ तक ला जब तक समझ नहीं बैठे। झगड़ा क्या बात को लेके हुआ था, वो बच्चे को मारा उस बात पे, तुमने झगड़ा नहीं, तुम बचाने गए थे। हाँ बुलाया उसने कि काका मेरे को इनने मारे बाहर बिछा दिया बोले। कहाँ की घटना ये? ये अपने यहाँ की कौड़ी खेड़ा। कहाँ पे काम करते हैं लोग? वो बात का काम करते हैं। कहाँ पे? कौड़ी खेड़ा। कौड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लखन है।